बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने 10 साल पूरे किए। अभिनेत्री ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अभिनेत्री का 10 साल का करियर अविश्वसनीय है। हाईवे, राजी, डियर जिंदगी, गनबूबाई कातियावाड़ी, कपूर एंड सन्स, गली बॉय, डार्लिंग्स, ब्रह्मास्त्र, दो स्टेट्स और अन्य ने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हाईवे मूवी ने अभिनेत्री के करियर की शुरुआत की। वो इम्तियाज अली की ड्राइविंग थ्रिलर हाईवे में वो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली एक महिला की भूमिका निभाती है। अभिनेता ने संघर्ष किया होगा। दूसरा, आलिया दो स्टेट्स में दिखाई दी। चेतन भगत की पुस्तक के आधार पर यह दो प्रबंधन छात्रों के बारे में है जिन्हें अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में समझाना चाहिए। तीसरा, कपूर एंड सन्स में के आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा फवाद खान के साथ अभिनय किया। कलाकार उनकी सहायक भूमिका के बावजूद प्रभावित लगी। चौथी, उड़ता पंजाब में आलिया ने एक कम आय वाले बिहारी अप्रवासी को चित्रित किया। गंभीर प्रस्तुति ने उनके विनोदी व्यक्तित्व को बदल दिया। प्रसिद्धि, सभी ने उनकी प्रशंसा की। पांचवी, डियर जिंदगी, आलिया भट्ट गौरी शिंदे की डियर जिंदगी में एक उदास सहस्राब्दी की भूमिका निभाती है। शाहरुख खान उनके थेरेपिस्ट की भूमिका में है। इस फिल्म ने अभिनेत्री को अपनी पीढ़ी से जुड़ने में मदद की। जिसके बाद राजी, आलिया भट्ट ने मेघना गुलजार की स्पाई थ्रिलर राजी में सहमत खान की भूमिका निभाई। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक महिला द्वारा निर्देशित सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है जिसने आलिया को सबसे सफल आधुनिक हिंदी कलाकार बना दिया। गली बॉय आलिया ने जोया अख्तर की गली बॉय में सफीना फिरदौसी के रूप में एक और सुंदर प्रदर्शन किया था। रणवीर सिंह का चित्रण उत्कृष्ट और आकर्षक था। कातियावाड़ी संजय लीला भंसाली की गनबूबाई कातियावाड़ी का बेसब्री से इंतजार था। अभिनेत्री ने 2022 में एक सेक्स वकर के चित्रण के साथ लहरें पैदा की। डार्लिंग्स, डार्लिंग्स उनकी नेटफ्लिक्स और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस दोनों ही पहली फिल्म थी। डार्क कॉमेडी में वो घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार है।